आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, आज का हमारा प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर क्रॉस 8 सेंटीमीटर क्रॉस 5 सेंटीमीटर विमा की 3.5 किलोग्राम द्रव्यमान की लकड़ी का एक टुकड़ा 10 सेंटीमीटर क्रॉस 8 सेंटीमीटर आधार पर, ठीक है, जो कि आप देख रहे हैं 8 और 10 आधार पर जमीन पर क्षैतिज रूप में रखा है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इसे इसमें प्रणोद और दाब ज्ञात करें, ठीक है। हमको क्या ज्ञात करना है? प्रणोद, ठीक है। और क्या ज्ञात करना है? हमको दाब ज्ञात करना है, ठीक है। प्रणोद क्या है? एक तरह का बल होता है, ठीक है, जो क्या होता है कि अगर बात करते हैं जो बल होता है इस तरीके से, मान लीजिए कोई कील है, ठीक है, कील अगर मान लीजिए इस तरीके की कोई कील है, ठीक है, जैसे कि सॉरी मान लीजिए कील है, ठीक है, इस पर लंबवत कोई बल लगाते हैं ना, ठीक है, लंबवत बल लगता है हमेशा प्रणोद, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रणोद, ठीक है। तो हमारे पास प्रणोद क्या होगा? तो इस जो बॉक्स है, हमारे पास जो वस्तु रखा है या लकड़ी का टुकड़ा रखा है, इसका वजन कितना बताया है? 3.5 किलोग्राम, ठीक है, 3.5 किलोग्राम, ठीक है। तो इसका भार कितना होगा? तो W बराबर mg, ठीक है, भार। तो हमारे पास भार कितना आ जाएगा? तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो भार बराबर कितना हो जाएगा? भार बराबर हमारे पास ये हो जाएगा कितना, m का मान कितना? 3.5, और g का मान जो हमको दिया गया वो कितना दिया गया? 9.8, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो मतलब इसकी सरल करेंगे 34.3 न्यूटन, ठीक है, वो किलोग्राम, और ये किस में आएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसको न्यूटन लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो भार तो हमने निकाल लिया जो प्रश्न में हमसे पूछा गया था, ठीक है, भार या बल, ठीक है, या प्रणोद, ठीक है, इसको प्रणोद भी बोलते हैं, क्या? प्रणोद, ठीक है, या भार, ठीक है। तो प्रणोद तो निकला है, हमको दाब निकालना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है? दाब बराबर क्या होता है? प्रणोद बटे, प्रणोद बटे क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल हमें किस कौन से क्षेत्रफल पे निकालना है? हमको 10 क्रॉस 8 पे निकालना है, ठीक है। तो सेंटीमीटर में किसको हमको मीटर में परिवर्तित करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो पी बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा? प्रणोद क्या हो जाएगा हमारे पास? प्रणोद हमको दिया गया 34.3 न्यूटन, ठीक है, और बटे क्षेत्रफल क्या हमारे पास है? क्षेत्रफल जो हमको दिया गया वो कितना दिया गया? 0.1, और किस पे? 0.8, इसको हमने मीटर में चेंज कर दिया, मीटर स्क्वायर, ठीक है। हमको दिया किस में था पहले? हमको दिया गया था सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर बराबर किस में है? 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, और ये मीटर स्क्वायर में था तो हमने इसको चेंज कर लिया, ठीक है। तो पी बराबर हमारे पास कितना आएगा? दाब बराबर ये हमारे पास आएगा कैलकुलेट करने पर 4,237.87 न्यूटन, 5 न्यूटन, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आप इसको क्या लिख सकते हैं? या हम इसको लिख सकते हैं 4,287.5 पास्कल, ठीक है, और यही हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्या ये हमारा उत्तर है। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।